हेलो फ्रेंड्स हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं जीव जगत इसके पहले वीडियो में मैंने जीवों के जो कैरेक्ट्रिस्टिक फीचर हैं उनकी जो गुण हैं उनको मैंने बताया है जिसका पहला गुण होता है वृद्धि इसकी मैंने विस्तृत चर्चा आपसे पिछले वीडियो में पहले वीडियो में किया है अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसकी दूसरी विशेषता ले रहे हैं और वो है उपापचय देखिए उपापचय मैंने पहले वीडियो में भी बताया थोड़ा सा कि उपापचय हमारे शरीर में दो होते हैं अपचय और उपचय मेटाबॉलिज्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं जैसा मैंने पहले बताया है मेटाबॉलिज्म और इसके लिए दो इसके दो भाग होते हैं एक होते हैं एनाबॉलिज्म होता है और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म ठीक है तो एट एनाबॉलिज्म का मतलब है सिंथेसाइजिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस एक सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है जो पौधों में होता है साथ ही कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस है ना संश्लेषण प्रोटीन का संश्लेषण वसा का संश्लेषण या किसी भी चीज़ का संश्लेषण ये सभी जितने भी संश्लेषण वाली प्रक्रियाएं हैं वो एनाबॉलिज़्म में आते हैं और जितने भी ब्रेकडाउन वाले जितने भी टूटने जितने भी ऑक्सीडेशन वाली प्रक्रियाएं हैं जैसे कि श्वसन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है तो एनाबॉलिक जिसमें सिंथेसाइजिंग प्रोसेस होते हैं और कैटाबॉलिज़्म जिसमें ब्रेकडाउन प्रोसेस होते हैं जिसमें सब तोड़ने वाले काम होते हैं इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिज़्म तो किसी भी जीव में ये एक अनिवार्य गुण है उसके शरीर में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म रहेगा ही देखिए जैसा मैंने कहा था कि अगर हम विषाणु की बात करें वायरस उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है ठीक है उसमें सिर्फ़ एक डीएनए या आरएनए होता है उसके बाद प्रोटीन का एक आवरण होता है उसमें न तो प्रोटोप्लाज्म होता है न तो मेटाबॉलिज्म होता है इसलिए वायरस को पूरी तरह से हम जीवित में जीवित के कैटेगरी में नहीं रखते हैं वो जीवित और अजीवित के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक हम उसको मानते हैं वायरस को लेकिन उसके ऊपर जितने भी जीव हैं चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे उससे ऊपर के सभी हो यूकेरोटिक सेल प्रोकेरोटिक सेल जितने भी हैं वो सभी जीवित में आते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म है और उसमें मेटाबॉलिज्म चलता है सभी जीव रसायनों से बने होते हैं जीव रसायन सभी जीव रसायनों के बने होते हैं मतलब बायोकेमिकल्स के बने होते हैं जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड न्यूक्लिक अम्ल ये एंजाइम से सारी चीज़ें होती हैं उन्हीं को जीव रसायन कहते हैं ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग माप क्रिया आदि वाले होते हैं छोटे वाले में आपके आते हैं अमीनो अम्ल हैं ग्लूकोज है, है यानी मोनोसेक्राइड है है ना वशी अम्ल है ये सब छोटे में आते हैं बड़े में इन्हीं से बनते हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वशा अम्ल ये आते हैं विभिन्न वर्ग विभिन्न वर्ग में प्रोटीन वाले वर्ग हैं कार्बोहाइड्रेट वाले हैं है ना लिपिड वाले हैं इनका वर्ग अलग अलग है क्योंकि इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है जो क्रियात्मक समूह होता है वो अलग अलग होता है माप मतलब उनका आकार है ना कोई बहुत छोटे साइज के होते हैं जैसे अमीनो अम्ल है या मोनोसेक्राइड छोटे आकार के होते हैं जबकि प्रोटीन है वशा है है ना ये न्यूक्लिक अम्ल है ये बड़े आकार के होते हैं क्रिया क्रिया में कुछ भाग लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं वैसे तो लगभग सभी जो रसायन है वो भाग लेते हैं क्रिया में है ना और कई ऐसे होते हैं जो क्रियाओं की दर को बढ़ाने घटाने का भी काम करते हैं जैसे इंजाइम्स हैं है ना तो इस टाइप के वाले जो होते हैं सभी रसायन होते हैं रसायन जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते रहते हैं ठीक है तो जैव अणु जैसा हमने अभी जो जो नाम लिए वही बनते भी रहते हैं और वो टूटते भी रहते हैं ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं तो अभी मैंने वही बताया था बनने की प्रक्रिया एनाबॉलिक और टूटने की प्रक्रिया कैटाबॉलिक और दोनों को मिला के एनाबॉलिक उपापचय जिसमें अपचय और उपचय दो भाग है अपचय मतलब एनाबॉलिज्म उपचय मतलब कैटाबॉलिज्म सभी जीवों चाहे वे बहुकोशीय हों अथवा एक कोशी में हजारों उपापचय क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं ठीक है, है? उपापचय क्रियाएं एक्चुअली तो सेल के अंदर ही होती है तो चाहे वो अब एक सेल है तो उसके अंदर रहेंगे या बहुकोशी है तो हर सेल के अंदर रहेंगी तो उपापचय तो सेल के अंदर ही होती है और वो हजारों प्रकार की होती हैं सभी पौधों में प्राणियों यानी जंतुओं कवक सूक्ष्म जीवों सभी में उपापचय क्रियाएं होती रहती हैं क्योंकि ये सभी के अंदर प्रोटोप्लाज्म होती है प्रोटोप्लाज्म में सारी चीज़ें होती हैं जो मेटाबॉलिज्म चलाते रहते हैं हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं हैं ठीक है, है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं आप कुछ को जानते भी होंगे जैसे श्वसन हमारे शरीर में एक प्रक्रिया है है ना किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती है यह एक बड़ी बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं होती मतलब उपापचय क्रियाएं सिर्फ जीवित जीवों में होती है इसलिए वो उसका एक्सक्लूसिव फीचर है विशिष्ट गुण है इसका शरीर के बाहर कोशिका कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं ठीक है जैसे मान लो श्वसन की कोई प्रक्रिया है उसको आप कोशिका के बाहर लाना चाहते हो करवाना चाहते हो तो आप वहाँ पर एंजाइमेटिक सिस्टम डाल करके उस प्रक्रिया को करा सकते हो मतलब उपापचय में जो क्रियाएं हैं वो आप बाहर में भी कोशिका के बाहर भी करा सकते हैं जीव के शरीर से बाहर परख नली में की गई उपापचय क्रियाएं न तो जैव है और न ही निर्जीव ये एक विशेष बात को ध्यान रखेंगे थोड़ा सा ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आप पढ़ते हो बुक्स में तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि कोशिका के बाहर परख नली में किया गया जो क्रिया है वो जैविक क्रिया है या निर्जीव क्रिया है तो दोनों ही नहीं है अतः उपापचय क्रियाएं निरापवाद निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं ध्यान रखेंगे जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं जबकि पात्रे में एकाकी उपापचय क्रियाएं जैविक नहीं है क्रिया हैं यद्यपि निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं पात्रे का मतलब मैंने बताया था कोशिका के बाहर कराए जाने वाली परख नली वगैरह में जो क्रियाएं कराई जाने वाली हैं वो जैविक क्रिया नहीं है लेकिन ये जीवित क्रिया है ध्यान रखेंगे जैविक क्रिया कब कहेंगे जब उसके अंदर होगा जीव के अंदर सेल के अंदर होगा लेकिन चूंकि वही क्रिया बाहर हो रही है तो वो जीवित क्रिया है लेकिन जैविक क्रिया नहीं है तो कुल मिला के ना तो वो जैव है ना ही निर्जीव है वो क्रिया अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट लक्षण है अभिलक्षण है ठीक है शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट लक्षण है तो कोशिका का संगठन होना उसमें बहुत सारे केमिकल्स का बनना ये सब सुस्पष्ट अभिलक्षण है शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों जो भौतिक रासायनिक और जैविक हो सकती हैं के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है ठीक है आ, जीव चाहे वो जंतु हो या पादप हो वो अपने आसपास के वातावरण के प्रति संवेदी होता है उन संवेदनाओं को ग्रहण करता है उसके लिए धीमा या तेज प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कोई जंतु है ज्यादातर जंतु जो है उनकी प्रतिक्रियाएं ज़्यादा तेज होती हैं पादपों की तुलना में क्योंकि जंतुओं के पास नर्वस सिस्टम होता है जिसके कारण से वे प्रतिक्रियाएं तेजी से कर सकते हैं पादपों के पास नर्वस सिस्टम नहीं है ऐसा माना जाता है अभी तक तो फिलहाल तो इसलिए उनकी क्रियाएँ थोड़ी धीमी होती हैं ये अलग बात है कि कुछ पौधे हैं जैसे कि छुईमुई पौधा है टच मी नॉट वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है लेकिन ज़्यादातर पौधे वातावरणीय उद्दीपनों के प्रति धीमे से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे कि जैसे ही तापमान और प्रकाश की अवधि बदलती है तो पौधों में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है वो पुष्पन करने लगते हैं है ना पुष्प आया जाएगा फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होगा उसमें फ्रूट बनेंगे तो इस टाइप की प्रक्रिया धीमी होती है जबकि जंतुओं में बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया होती है जैसे मान लो ठंड आ रही है तो तेज़ी से वो अपने आप को बदलने लगते हैं अपने सही सही जगह में जाने लगते हैं या गर्मी आ जाती है तो छुप जाते हैं जैसे में भी उनकी प्रतिक्रिया ज़्यादा तेज़ होती है क्योंकि तो वहाँ पर नर्वस सिस्टम है और यही कारण है कि पौधों की तुलना में जंतुओं में विकसित होने वाले जातियों के संख्या ज़्यादा है स्पीसीज की संख्या ज़्यादा है अभी तक हमने सत्रह लाख स्पीसीज़ खोजे हैं जंतुओं के और पादप के उनमें से करीब पाँच लाख स्पीसीज पादपों के हैं और करीब बारह तेरह लाख स्पीशीज जो है वो जंतुओं के हैं तो उसके पीछे कारण यही है कि जंतु जंतुओं के पास नर्वस सिस्टम है और वो अपने आप को जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं और आ, जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं वातावरणीय परिवर्तन को लेकर के हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं पर्यावरण में क्या हो रहा है ये हमारे संवेदी अंग हमको बताते रहते हैं पौधे प्रकाश पानी ताप अन्य जीवों प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं तो जैसे पौधे प्रकाश कम ज़्यादा होने से क्या होता है मैंने बताया अभी आपको पुष्पन वगैरह दिखने लगता है पानी कम ज्यादा होता है तो पौधे मुरझा जाते हैं है ना या फिर उनको स्टोर करने की कोशिश करते हैं ताप के कम ज्यादा होने से उनके अंदर कोशिकाओं का विभाजन कम ज्यादा होने लगता है दूसरे जीव का उनके साथ उपस्थिति क्या है इसके आधार पर रिएक्ट करते हैं प्रदूषक है जैसे लाइकेन के बारे में आप जानते हैं कि जहाँ पर एसो का प्रदूषण रहता है वहां पर लाइकेन विकसित नहीं होता है ठीक है तो ये इनके प्रति ये प्रतिक्रिया दिखाते रहते हैं प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यू तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना और प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं पादप तथा प्राणियों में दोनों में दीप्त काल मौसमी प्रजनों के जनन को प्रभावित करता है ये क्या लिखा है आप समझ लीजिए जैसे अभी मैंने कहा था कि पौधे जो है प्रकाश की अवधि के आधार पर अपना पुष्पन करते हैं जिसको आप फोटोपीरियाडिज्म कहते हो है ना जिसमें लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट ये सब होते हैं मैंने पढ़ाया भी है इंग्लिश मीडियम वाले है ना अब देखिए कि जंतुओं में तो आप जंतुओं में भी जानते हैं कि ज़्यादातर जंतु जो है वो सीजनल ब्रीडर होते हैं एक साल भर में एक निश्चित सीजन होता है एक या दो सीजन या तीन सीजन जब वो अपना प्रजनन पूरा करते हैं तो उसी समय क्यों करते हैं क्योंकि उस समय प्रकाश की अवधि तापमान ये सब उनके अनुकूल हो जाता है और फिर वो उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं उनके शरीर में हार्मोन बनने चालू हो जाते हैं इस्पमोम बनने चालू हो जाते हैं और वो प्रजनन करते हैं मनुष्य जो है आल सीजन ब्रीडर है क्योंकि वो अपने आप को अपने आसपास की विसिनिटी को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है इसलिए उसका शरीर जो है बारह महीने प्रजनन करने के लिए सक्षम हो गया है इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं मानव केवल ऐसा जीव है ये विशेष बात आपके यहां पर अंडरलाइन करने वाली बात है मानव ही केवल एक ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है तो केवल मानव है जिसमें सेल्फ कॉन्सियस है स्वचेतन सेल्फ कॉन्सियस मतलब वो अपने बारे में समझता है अपने बारे में सोच सकता है अपने बारे में विचार कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर सकता है ये मानव की विशेषता है तो चेतना जो है ये जीवों का एक अभिलक्षण है ये निर्जीवों में नहीं होता है संवेदना अगर आप पत्थर को कितना भी मारो कितना भी पीटो वो दर्द होता है या उसका उस पर प्रकाश का या तापमान का कोई प्रभाव पड़ रहा है ऐसा वो नहीं दिखाता है है ना तो चेतना जीवों का लक्षण है जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे हुए रहते हुए देखते हैं जिसके हृदय तथा फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती हैं रोगी का मस्तिष्क मृतसम होता है रोगी में स्वचेतना नहीं होता ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे तो ये कोमा में रहने वाले व्यक्ति की बात कर रहा है कोमा में रहने वाला व्यक्ति बाहरी तौर पे उसका ब्रेन कॉन्सियस नहीं रहता है ब्रेन डेड हो सकते हैं कुछ लोग तो ब्रेन डेड होने का मतलब उसका जो जो कॉन्सियस वाला ब्रेन का पा पार्ट है ना वो डेड रहता है क्योंकि शारीरिक आंतरिक शारीरिक सारी, संरचनाओं को चलाने वाला जो ब्रेन होता है वो अगर जीवित है तभी उस व्यक्ति का शरीर अंदर से चलते रहता है जो ब्रेन डेड लोग होते हैं वो उनका हृदय गति चलते रहता है सांस भी लेते रहते हैं इसका मतलब ब्रेन का कुछ हिस्सा उसका अभी भी चालू है तभी वो शरीर को संचालित कर रहा है इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम निर्जीव नहीं कहेंगे वो सजीव है भले ही अभी उसका बाहरी कॉन्शियसनेस जो है वो डेड हो चुका है लेकिन आंतरिक अभी भी उसका चल रहा है अंदर में क्या हो रहा है सांस ले रहा है नहीं ले रहा है अभी भी उसका ब्रेन डिटेक्ट कर रहा है क्योंकि अगर ब्रेन पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा तो शरीर का संचालन बंद हो जाएगा इसलिए ऐसे को हम निर्जीव नहीं कह सकते उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है ठीक है जीव विज्ञान में हम जैव विकास की कथा पढ़ते हैं मतलब क्या पढ़ते हैं कि क्या आज जिस तरह के जीव पृथ्वी पर विद्यमान हैं पौधे जंतु क्या वो शुरू से वैसे थे तो नहीं शुरू से वैसे नहीं थे वो पहले सरल अवस्था में थे सरल संरचनाओं में थे शुरू में बहुत सरल संरचनाएं बनी फिर धीरे धीरे वो जटिल संरचनाओं में विकसित होते चले गए इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एज इट इज़ नहीं है वो विकसित होकर ऐसे बना है बनी है तो वो इसी विकास की कथा है आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उनमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती हैं, ठीक है जीव घटनाएं मतलब जीवों के बीच में जो घटनाएं होती जीव के शरीर में उसके अंदर होने वाली प्रतिक्रिया का परिणाम होता है उतकों में कोशिकाओं में उनके अंदर होता है उतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण से है अगर आप एक ऊतक की बात करते हो तो ऊतक जो है समान कोशिकाओं का समूह होता है तो समान कोशिकाओं के समूह में जो कोशिकाएं हैं वो आपस में किस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं उससे वो पूरे अंग की उस टिश्यू की उस उतक की प्रतिक्रिया उसकी क्रिया निर्भर करती है इसी प्रकार कोशिकी अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं है बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने कारण से होती है जैसे मान लो आप कोशिका अंग आप मान लो माइटोकॉन्डिया या गोल्गी बॉडी कहते हैं तो उसके अंदर जो अणु हैं उनके अलग अलग क्रियाएं नहीं है उनकी सम्मिलित क्रिया का परिणाम होता है कि वो कोशिकांग जो है वो उस तरह का काम कर रहा है उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं तो जैसे जैसे आप उच्च स्तर में जाते हो मतलब कोशिकांगों से कोशिका फिर उतक फिर अंग तंत्र फिर जीव तो वो आपस में किस तरह का क्रिया कर रहे हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है उसके आधार पे उनके गुणधर्म निर्धारित होते हैं किसी एक के कारण से नहीं होते हैं सम्मिलित तो रूप से करते हैं गुणधर्म का निर्माण सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है ठीक है सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता मतलब जैसे जैसे जटिल होते गए अणु से कोशिकांग कोशिकांग से कोशिका फिर उतक फिर ऐसा तो जैसे जैसे जटिलता होती गई पदानुक्रम मतलब होते गई है ना अद्भुत घटना यथार्थ है मतलब ये सब घटनाएं हुई हैं ये बहुत अद्भुत हैं और सही में हुई हैं यथार्थ है अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं मतलब ये है कि जीव क्या है स्वप्रतिकृति मतलब अपनी कॉपी तैयार कर सकता है चाहे वो प्रजनन करे या डिवीजन करे विकासशील मतलब जीव का विकास होता चला जा रहा है करोड़ों वर्ष पहले ये जीव ऐसा नहीं था विकसित हो के आज है आज के बाद भी विकसित होकर आगे बनेगा स्वनियमनकारी मतलब अपने आप का नियमन करता है होम्योस्टेसिस में रखता है अपने शरीर का संचालन करता है पारस्परिक क्रियाशीलता ये क्या है कि आपस में जीव एक दूसरे के साथ क्रियाशील है शरीर के अंदर भी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ क्रियाशील हैं जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं बाहर क्या हो रहा है प्रकाश कम ज़्यादा हो रहा है तापमान कम ज़्यादा हो रहा है या कोई और उद्दीपन है उनके प्रति वो प्रतिक्रिया देते हैं है ना जिससे अपने आप को एडजस्ट करने की भी वो कोशिश करते हैं जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है वर्तमान भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ अनुवांशिक पदार्थ की साझेद्वारी द्वारा संबंध है संबंध है संबद्ध है परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होते हैं तो ठीक है कि जो पहले थे आज हैं और भविष्य में होंगे जो जीव वो एक दूसरे से डीएनए के द्वारा जुड़े हुए हैं आरएनए के द्वारा जुड़े हुए हैं इनमें सभी में डीएनए आरएनए में बहुत सारी समानताएं हैं लेकिन उनमें विभिन्नताएं भी हैं समानताएं इसलिए हैं क्योंकि डीएनए आरएनए उन्हीं न्यूक्लोटाइड उन्हीं नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट शुगर से बने हुए हैं उनका जैसे आप अगर अपनी तुलना करोगे हमारा डीएनए चिंपांजी के डीएनए से 99 परसेंट तक सिमिलर है उनका डीएनए और किसी से सिमिलर है मतलब ऐसे हर एक जीव का जो है दूसरे जीव के डीएनए से कहीं ना कहीं समानता है है ना और विभिन्नता भी है क्योंकि विभिन्नता है, है तभी हम अलग बने हैं नहीं तो हम भी अमीबा जैसे दिखते हैं या हम भी किसी और जंतु जैसे दिखते हैं लेकिन ऐसे नहीं दिखते हैं क्योंकि हमारे पास अलग से ये जो डी की विशेषता है अलग है थोड़ा डी ठीक है अब है जीव जगत में विविधता जीव जगत में विविधता का मतलब क्या है कि अलग अलग प्रकार क्या है डाइवर्सिटी इसी को बोल रहे हैं पूरी पृथ्वी में कितने प्रकार के जीव जंतु हैं अंदाज है कि सत्तर लाख हैं उनमें से सत्रह लाख को हमने खोजा भी है अभी तक बाकी खोजने बाकी हैं तो ये जो विविधता है वो क्यों ऐसे हुए हैं अलग अलग प्रकार के जीव जंतु क्यों विकसित हुए हैं आप अपने एरिया में देखेंगे तो उस एरिया के जीव जंतु थोड़े अलग दिखेंगे पेड़ पौधे अलग दिखेंगे दूसरे एरिया में चले जाइए जहाँ का वातावरण अलग है तो वहाँ पर अलग किस्म के दिखेंगे उसका कारण यह है कि हर एरिया में अपने वातावरण के अनुसार वहाँ के जीव जंतु अपने आप को अनुकूलित करते हैं अपने आप को ढालते हैं और उसके कारण से उनके शरीर का विकास जो होता है वो उसके अनुसार होते चले जाता है तो वो दूसरे इलाके से दूसरे वातावरण से वो अलग हो जाते हैं जैसे कि अगर हम अपने आप को ही देखें और निग्रो को देखें तो निग्रो और हम में काफ़ी अंतर दिखता है निग्रो वो जो एकदम डार्क कलर के होते हैं एकदम है ना जैसे वेस्ट इंडीज़ वाले हैं इस तरफ वाले हैं तो क्यों ऐसा हुआ क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है है ना तो उस तरह की जो विकास है ना वो अलग अलग वातावरण में होने कारण से होते हैं यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे कीट पक्षी पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं तो अगर आप थोड़े से ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तब तो आपको बहुत ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु देखने को मिल सकते हैं और अगर आप जंगल गए हैं या जंगल के आसपास रहते हैं तब तो अनगिनत प्रकार के मिल जाएंगे आपको है ना और ये इन रूपों में हो सकते हैं बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते लेकिन आपके आसपास होते हैं जैसे अमीबा है पैरामिशियम है बैक्टीरिया है इसको आप नहीं देख सकते लेकिन है ना यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ती है इसलिए ज़्यादा बड़े एरिया में आप जाते हैं बड़े जंगलों में जाते हैं तो बहुत सारे नए जीव जंतु देखने को मिलेंगे स्पष्टता यदि आप किसी सघन वन में जाएँ तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या और उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी ठीक है सही बात है जंगल में तो रहेंगे ही प्रत्येक प्रकार के पौधे जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीसीज का प्रतीक है एकदम सही है हर प्रकार के जीव जंतु एक एक स्पीसीज है जैसे आपने आम का पेड़ देखा एक कुत्ता देखा एक बाघ देखा वो सब एक एक स्पीसीज है वो तो आप जानते ही हैं अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है एक मिलियन में होता है दस लाख यानी सत्रह लाख से अठारह लाख तक हो सकते हैं वर्णित स्पीसीज देखिए मैंने अभी अभी आपको चर्चा किया था एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट मेयर ठीक है रॉबर्ट मेयर इन्होंने अंदाज लगाया है कि शायद धरती पे सत्तर लाख यानी सात मिलियन प्रजाति होंगे लेकिन इनमें से हम केवल सत्रह लाख को यानी बीस बाईस परसेंट को ही हम खोज पाए हैं हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं तो यही है बायोडाइवर्सिटी जिसके बारे में आप हमेशा चर्चा करते हो कि बायोडाइवर्सिटी कम है ज़्यादा है जहाँ पर ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है रिच होती है और जहां पर जीव जंतु कम संख्या में पाए जाते हैं बायोडाइवर्सिटी पुअर होती है ठीक है इसीलिए एमेजान के जंगल हैं इस टाइप के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं जहां पर पा, पानी बारिश पर्याप्त होती है टेम्परेचर भी गर्म होता है वहां का वहां पर ज्यादा प्रकार के जीव जंतु क्योंकि ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे विकसित हो जाते हैं जीव जंतुओं की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि वहां पर बारिश और तापमान और मिट्टी कैसी है अगर ये तीनों अनुकूल हैं तो ज्यादा पेड़ पौधे विकसित हो जाते हैं और उसके कारण से ज्यादा प्राणी भी विकसित हो जाते हैं जंतु भी विकसित हो जाते हैं जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अमेजान के जंगल हैं भारत जैसे देश हैं इनमें ये सब चीज़ें ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहां तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं हमें नए नए जीवों का पता लगते रहता है तो आप नए क्षेत्रों में जाएंगे पता करेंगे नई चीजें नए नए जीव आपको मिलते रहेंगे ठीक है अलग अलग एरिया में जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं मैंने अभी बताया ना सात मिलियन है ऐसा तो अंदाज है ही है है ना आ, कुछ लोग तो उसको 200 मिलियन तक भी हो सकता है ऐसा बोलते हैं लेकिन नहीं सात मिलियन तक तो है हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं ये तो हम जानते हैं अपने अपने स्थानों में अलग अलग नाम रहता है ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते भी रहते हैं यदि हमने ऐसी कोई विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है तो ये बात कर रहा है वैज्ञानिक नामकरण की वैज्ञानिक नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई क्योंकि एक ही जीव को एक ही देश में भी अलग अलग नामों से और अलग अलग देशों में तो अलग अलग नामों से जानते ही हैं तो अगर आप किसी जीव को एक नाम से जानते हैं और दूसरे देश में आप जाते हैं वहाँ उस जीव का नाम लेते हैं तो सामने वाला या तो समझ नहीं पाएगा या किसी दूसरे चीज़ को समझ जाएगा तो इसके लिए आवश्यकता हुई कि हम पूरे विश्व स्तर पर एक ऐसे नामकरण पद्धति की खोज करें जो सभी जगह एक हो कि अगर हमने कहा ये पेसर डोमेस्टिका है तो दुनिया का कोई भी आदमी समझ सके कि हाँ ये गौरे चिड़िया की बात कर रहा है ये है हाँ ना स्पैरो की बात कर रहा है जैसे हमने कहा केनिस फेमलियरिस तो कुत्ते की बात कर रहा है या फेलिस डोमेस्टिका तो बिल्ली की बात कर रहा है तो इस तरह से एक वैज्ञानिक नाम होना चाहिए इसकी आवश्यकता लोगों को समझ में आनी शुरू हुई तो इसका प्रयास चलता रहा चलता रहा चलता रहा तो फिर लीनियस के द्वारा मेनली ये काम किया गया कि जो विनामकरण पद्धति है इसको विकसित किया गया इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं या वैज्ञानिक नाम पद्धति इस स्पष्ट नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है इसे पहचानना कहते हैं तो सबसे पहले हम जीव का पहचानना मतलब उसका आइडेंटिफिकेशन भाई मैंने कहा केनिस फैमिले तो आपको पता तो होना चाहिए कि कुत्ते की बात करें तो कुत्ता क्या चीज़ होता है तो सबसे पहला काम होता है पहचानना जब हम किसी जीव को देखते हैं तो हम उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा जीव हो सकता है फिर या तो उसका नामकरण किया गया है तो उसके आधार पर जान लेते हैं और नहीं तो नामकरण किया जाता है अगर नहीं किया गया है तो अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है जिसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉम एन में दिया गया है तो अलग अलग कमिटी है देखिए पौधों के नामकरण के लिए आई है जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉम एन है वैसी जंतुओं के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ जुलॉजिकल नॉम एन आई है ना वैसी बैक्टीरिया के लिए है है ना तो सभी जीवों के लिए सभी प्रकार के जीवों के लिए अलग अलग कोड है विशेषकर जंतुओं के लिए पादपों के लिए बैक्टीरिया के लिए अलग अलग कोड बनाए गए हैं उसके आधार पर हम उसका नामकरण करते हैं उनके नियमों के आधार पर आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है तो इसी को कहा जाता है देखिए कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जुलजिकल नाम बनाया गया है वैज्ञानिकों की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो क्योंकि अगर हमने केनिस फेमिलेडिस कुत्ते का रख दिया तो अब वो रख दिया अब उसको किसी दूसरे जीव जंतु के लिए उस नाम हम नहीं रख सकते है ना तो ये एक ही होता है किसी जीव का एक ही नाम होता है और एक ही नाम किसी एक ही जीव का होता है ठीक है ऐसा एक नियम है और ये वैज्ञानिक नाम कहलाते हैं जूलॉजिकल नेम बॉटनिकल नेम बैक्टीरियल नेम ऐसा कहलाते हैं और इसको जिसने पढ़ा तो वो ये बात समझ जाता है कि अब ये इस एनिमल के बारे में बात कर रहा है जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं ठीक है एक नियम बनाया गया है जिसको अपन नाम रूल कहते हैं है ना अब प्रत्येक नाम में क्या होते हैं दो दो पार्ट होते हैं वंश नाम तथा जाति संकेत अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको ये क्या लिख रहा है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बता रहा हूँ जैसे आपने कहा कैनिस फैमिलियारेस ठीक है फैमिलियारिस ठीक है कैनिस फैमिलियारेस तो इसमें जो कैनिस नाम रखा गया है ये कुत्ते का जीनस है ठीक है और ये जो फैमिलियरीज है ये इसका स्पीसीस इस है ठीक है तो दो पार्ट का बना हुआ है एक जो उसके जीनस का नाम बताता है जिसको जेनरिक नेम कहते हैं ठीक है ठीके? जेनरिक नेम ठीक है उसी को कहते हैं वंस नाम जेनरिक नेम है देखो वंस नाम और दूसरा जो स्पीसीज का नाम बताता है उसको कहा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज एपीथेट या स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज इस एपिथेट। इसको जरा ध्यान रखेंगे इंग्लिश शब्द है ये, एपिथेट। यानी संकेत एपिथेट इसलिए क्योंकि ये विशिष्ट है किसी के लिए जैसे आपने कहा कैनिस कैनिसमिलेडिस तो जैसे आपने कहा पेंथेरा टाइग्रिस चलिए एक नाम लेता हूं तो आपको ठीक से समझ में आएगा हमने कहा पेंथेरा टाइग्रिस तो पेंथेरा एक जीनस है और टाइग्रिस उसका एक स्पीसीज है तो स्पीसीज टाइग्रिस जो है केवल टाइगर का है लेकिन जो पेंथेरा शब्द है जो जीनस है वो किसी और का भी हो सकता है जैसे पेंथेरा लियो पेंथेरा लियो ये शेर का नाम है उसमें पेंथेरा शब्द जुड़ा है देख सकते हैं लेकिन लियो सिर्फ उसी में जुड़ा है वैसे पेंथेरा टाइग्रिस तो पैंथेरा टाइगर में भी जुड़ा है लेकिन टाइग्रिस सिर्फ टाइगर में है तो जो स्पीसीज का नाम है ना वो विशिष्ट होता है उसी के लिए वो किसी दूसरे में नहीं लगाया जा सकता अगर वो लगाया भी जाएगा ना अगर स्पीसीज का जो नाम हमने रख दिया उसमें स्पीसीज वाला जो पार्ट है किसी और में लगाया जाएगा तो उसका जीनस अलग हो जाएगा मतलब वो स्पेशल अलग ही हो जाएगा कुल मिला इसलिए हमने उसको स्पीसीज एपीथेट कहा स्पीसीज वाला जो नाम है उसको एपीथेट कहा जाता है या जाति संकेत तो इसको जरा ध्यान रखेंगे कि दो पार्ट में एक को जेनरिक नेम यानी यानी वंश नाम और दूसरे में स्पीसीज एपीथेट यानी कि जाति संकेत कहते हैं इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो धक घटक होते हैं द्विपद नाम पद्धति यानी बाई नॉमियल नॉमिन क्लेचर कहते हैं इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं अब एक विशेष बात मैं आपको बताता हूँ ये जो द्वि नाम पद्धति है इसको लीनियस ने दिया था उसने विकसित किया था यह नाम आप पढ़ते हो लेकिन एक्चुअली पहली बार इसको देने वाला जो वैज्ञानिक थे वो लीनियस नहीं थे वो एक दूसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम था गैसपर्ड बन गैसपर्ड बॉहीन नाम के वैज्ञानिक ने अपनी एक कवक पे लिखी गई पुस्तक जिसका नाम था पाइनेक्स थिएटर बॉटेनिका पाइनेक्स थिएटर बॉटेनिका फंगस पे कवक पे लिखी गई पुस्तक थी है उसमें गैसपर्ट बॉहिन नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार द्वि नामकरण पद्धति का उपयोग किया था लेकिन उन्होंने इसको ज़्यादा विकसित नहीं किया इसका ज़्यादा प्रयोग और विकास किया था कैरोलस लिनियस ने इसलिए ये जो है पूरा सिस्टम उनके नाम पे चलता है आज भी कि कैरोलासिनियस ने द्वि नाम पद्धति दिया था ठीक है दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है क्योंकि ये स्पष्ट है समझने लायक है और आप आराम से याद कर भी सकते हो आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाते हैं आम का वैज्ञानिक नाम क्या है मैंजी फेराइंडिका इसको इंग्लिश में लिखना था है ना यहाँ पर मैंजी इंडिका ठीक है मैंजी इंडिका मेन मेन चीजें मैं आपको बता देता हूँ इसमें जैसा कहा कि ये जीनस का नाम ही है स्पीसीज एपिथेट है स्पीसीज का नाम है लिखते समय इसमें तो कैपिटल लेते हैं एक अक्षर को इसमें नहीं लेते हैं पहली बात अगर टाइप कर रहे हैं तो इसके नीचे या तो अंडरलाइन लगा देंगे या इसको इटैलिक्स में टाइप करते हैं ऐसे तिरछा ठीक है इसके बाद हम इसका नामकरण देने वाले वैज्ञानिक का नाम भी शॉर्ट में लिख देते हैं जैसे एल आई एन डॉट कर दिए मतलब ये लीनियस ने दिया था ऐसा हम डॉट कर दिए तो मैंजी फेरा इंडिका लीनियस ने दिया था ऐसा हम एक डॉट लगा दिए तो इस तरह से हम वैज्ञानिक नामकरण लिखते हैं किसी पौधे का या जंतु का जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं तो लैटिन भाषा में क्या होते हैं लैटिन और ग्रीक ये दो भाषा पहले चलते थे आजकल ये डेड लैंग्वेज हैं इनका उपयोग लोग आम बोलचाल में नहीं करते हैं तो उससे हम निकालते हैं और उससे हम द्विनामकरण का कर, करते हैं दूसरी बात यह कि तिरछे अक्षरों में लिखने का मतलब इटैलिक्स में जैसे आप देखे होंगे कि थोड़ा से ये देखिए थोड़ा सा आप देखेंगे ध्यान से थोड़ा तो तिरछा लिखा हुआ है है ना तो टाइप करते समय कंप्यूटर में कंट्रोल आई करेंगे सेलेक्ट करके तो तिरछा हो जाता है इटैलिक्स आप जानते होंगे कंप्यूटर चलाना ठीक है इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो इसे लैटिनिकरण अथवा इसे लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है चाहे आप उसका जो उत्पन्न है चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से किए हो हालांकि ज्यादातर लैटिन से करते हैं लेकिन आप यहां पर देखिए आपने लिखा है मैंजीफर इंडिका तो इंडिका शब्द लैटिन का नहीं है यह इंग्लिश शब्द है लेकिन इंडिया को इंडिका कर दिया है आपने तो वो लैटिनाइज हो गया मतलब किसी लैंग्वेज से आपने लिया है लैटिन से नहीं लिया है तो उसको लैटिनाइज कर दिया जाता है ऐसा कहना है जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है ये तो मैंने अभी अभी, अभी आपको बताया वंश नाम का मतलब जेनरिक नेम और जाति संकेत का मतलब स्पीसीज एपिथेट इसको ध्यान रखेंगे जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं नीचे अंडरलाइन इस तरह से करते हैं छपाई में तिरछा लिखना चाहिए रेखांकन उसके लैटिन उद्भव को दिखाता है ऐसे रेखांकित करते हैं तो वो लैटिन है ऐसा वो बता रहा है पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए जैसा मैंने कहा कैपिटल होना चाहिए जबकि जाति संकेत में पद छोटे अक्षर से ही शुरू होता है मंजी फेर के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं अब इसको फिर यहां हिंदी में लिख दिया है इसको इंग्लिश में लिख लिख के इसको बताना था क्योंकि तो हम साइंटिफिक नेम को इंग्लिश में लिखते हैं ना ऐसे नहीं लिखते हैं अब इसमें छोटा कैपिटल या छोटा बड़ा कैपिटल या स्मॉल लेटर तो समझ में नहीं आएगा तो आप उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो समझ में आएगा है ना जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं मैंने अभी बताया ना कि आखिरी में लेखक का नाम लिखते हैं जैसे एल आई एन लिख दे लिनियर्स तो इसका मतलब है कि यह नाम लीनियस ने दिया था ठीक है अब मान लो किसी वैज्ञानिक ने उसका नाम बाद में बदल दिया तो उसका नाम उसके बाद लिख देंगे अपन जैसे लीनियस के बाद किसी वैज्ञानिक ने बदला तो लीनियस उसके बाद उसका नाम बदले हुए नाम के बाद यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है लेकिन ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं देखिए मान लो आप अलग अलग जीवों का अध्ययन करने बैठोगे तो कम से कम सत्रह लाख जीव तो हम पहचान चुके हैं क्या आप एक एक व्यक्ति उतने जीवों का अध्ययन कर सकते हो नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं वर्गीकरण करते हैं क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं गुणों को समान गुणों की समानताओं का अध्ययन करते हैं जैसे आपने फाइलम आर्थ्रोपोडा बना दिया फाइलम आर्थ्रोपोडा में जितने भी स्पीसीज हैं उनमें कम से कम ज्वाइंट लेग्स तो हैं है ही हैं तो एक विशेषता आपको पता हो गई मान लो आपने कहा आर्थ्रोपोड एनिमल है तो आपको फर्स्ट समझ में आएगा कि इनमें लेग्स हैं है ना ऐसा तो हम समान गुणों वाले जीवों की स्पीसीज को हम एक एक ग्रुप बनाते चले जाते हैं और बड़े ग्रुप से छोटा ग्रुप बनाते चले जाते हैं जितना बड़ा ग्रुप रहता है जैसे मान लो आपने एक फाइलम कहा तो फाइलम जंतुओं में यूज होता है पादपों में डिवीजन शब्द यूज होता है ध्यान रखेंगे आप मान लो आप फाइलम कहे तो फाइलम के अंदर जो जो जीव हैं उनके कुछ कुछ गुण आपस में मिलेंगे लेकिन मिलने वाले गुणों की संख्या कम रहेगी फिर जब फाइलम को क्लास में बांटोगे तो एक क्लास के अंदर जीवों में जो गुण रहेंगे वो ज़्यादा संख्या में मिलेंगे मतलब ज़्यादा गुण आपस में मिलेंगे फिर एक क्लास में जो ऑर्डर्स होते हैं तो एक ऑर्डर के अंदर जो एनिमल या प्लांट हैं उनके गुण और ज़्यादा मिलेंगे मतलब इस तरह से फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस अब जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे उनके अंदर आने वाले जीव चाहे पौधे हों या जंतु हों उनके गुण आपस में ज़्यादा मिलते चले जाते हैं है ना फाइलम में गुण कम मिलेंगे लेकिन क्लास में जीनस में इनमें गुण ज़्यादा मिलेंगे तो छोटी इकाई में ज़्यादा गुण मिलते हैं बड़ी इकाई में कम गुण मिलते हैं इसको वर्गीकरण कहते हैं वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके हम वर्गीकृत करते हैं हम बाहरी गुणों को भी देख के करते हैं आंतरिक गुणों को भी देख के कर सकते हैं तो शुरुआत में जो वर्गीकरण हुआ लिनियस सॉरी अरस्तु के जमाने से अरस्तु आज से ढाई हजार साल पहले हुआ करते थे उनके समय से वर्गीकरण की प्रक्रिया चालू हो गई थी उन्होंने बाह्य गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना शुरू किया और ये बाह्य गुणों के आधार पर जो हुआ इसको लीनियस के ज़माने तक चलता रहा इसको आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं जिसमें सिर्फ मार्फोलॉजी बाह्य गुणों बाह्य स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं मार्फोलॉजी के आधार पर यानी आकारिकी के आधार पर उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता बिल्ली अथवा कीटों को सरलता से पहचान लेते हैं हम देखते ही पहचान लेते हैं कि पौधा है कि जंतु है कि कुत्ता है कि बिल्ली है कि कीड़ा है कि क्या है है ना जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के लिए कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है, है ना जैसे हमने कुत्ता कहा तो आप समझ जाएंगे कुत्ता कैसा होता है वो स्तनीय है कि नहीं है ऐसा है ना जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है तो एक कुत्ते का प्रतिबिंब बनता है और कुत्ता कैसा होता है उसमें स्तन ग्रंथी है है ना वो में है ये सब चीजें आप समझ सकते हो अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो नहीं हो तो भी समझ सकते हो ये तो साधारण सी बातें हैं स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे न कि बिल्ली को ठीक है अगर आपने कुत्ता कहा तो आपके दिमाग में कुत्ते का आएगा बिल्ली का नहीं आएगा बिल्ली कहेंगे तो बिल्ली आएगा आपके दिमाग में है ना ऐसा है अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता चलता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं इसी प्रकार मान लें कि हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के बारे में सोचेंगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं और स्तन ग्रंथियां होते हैं है ना तो स्तनियों में ये स्तनधारियों में ये चीजें होती हैं बाल बाह्य कर्ण स्तन ये सब चीजें केवल स्तनधारियों हो में होते हैं इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं पौधा आ जाएगा है ना इसलिए ये सभी कुत्ता बिल्ली स्तनधारी गेहूं चावल पौधे जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं और समझने में करते हैं इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है देखिए जैसे अभी मैंने कहा कि फाइलम है क्लास है ऑर्डर है जीनस है ये सभी टैक्सा हैं इनका एक एक को हम टेक्सॉन कहते हैं जैसे फाइलम एक टेक्सॉन है क्लास एक टेक्सॉन है ऑर्डर एक टेक्सॉन है ये सभी टैक्सा हैं टैक्सा मतलब एक टैक्सा मतलब बहुत सारे यहां आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है ठीक है जैसे आपने क्लास कहा तो बता सकता है ना पौधे भी एक टैक्सा है मतलब प्लांट गेहूं भी एक टैक्सा है मतलब ट्रिटिकम एस्टाइवम कहेंगे तो वो जीनस और स्पीशीज को बताएगा है ना इसी प्रकार जंतु स्तनधारी कुत्ता ये सभी टैक्सा है है ना जंतु मतलब एनिमलिया तो आप किंगडम एनिमेलिया कह सकते हैं स्तनधारी कहने से क्लास में मेलिया हो गया कुत्ता कहने से फेमिस कैनिस फेमिलेरिस यानी और स्पीसीज हो गया तो सभी टेक्सान है ना लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी है और स्तनधारी प्राणी है इसलिए प्राणी स्तनधारी इस तथा तो कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को बताता है ठीक है ये चीज़ें तो आप समझ सकते हैं <laughs> इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं अलग अलग टैक्सा जैसे मैंने कहा फाइलम क्लास ऑर्डर जीनस फैमिली ये सब हम करते हैं क्लासिफिकेशन में गुण जैसे प्रकार रचना कोशिका की रचना विकासी प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं ठीक है हम ये देखते हैं कि किस प्रकार का गुण है उनकी रचना किस प्रकार की है कोशिका की प्रो है यू है है ना विकास प्रक्रम मतलब वो किस स्तर तक विकसित हो पाया है है ना वो किस फाइलम में आता है किस ऑर्डर में आता है है ना आ, जीव को पारिस्थितिक सूचना आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं ठीक है इसलिए विशेषीकरण पहचान विज्ञान वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकी के आधार हैं तो तीन चार चीज़ें हैं है ना एक तो विशेषीकरण है मतलब वो स्पेशलाइजेशन क्या है उसकी मतलब वो किस प्रकार का जंतु है कि पादप है उसकी पहचान करना आइडेंटिफिकेशन करना फिर उसका क्लासिफिकेशन करना उसका नाम करना ये वर्गीकरण के आधार है वर्गीकरण इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं वर्गी की कोई नई नहीं, नहीं है मानव हजारों सालों से करते आ रहे हैं जैसा मैंने कहा जैसे अरस्तु के जमाने से किया जा रहा है मानव स्वरोग विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में आधिकारिक अधिक अधिक जानने का प्रयास करता रहा है विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे ठीक है कम से कम हम हमारे लिए जो यूजफुल थे उनको तो हम जानने की कोशिश कर ही रहे थे जो यूजफुल नहीं है उनको भी हमारे जो ऋषि मुनि या पुराने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उनके जानने की कोशिश की थी आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन कपड़े आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था तो शुरू में मानव ने अपने उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया कि कुत्ता जो है हमारे शिकार खेलने में है ना इसमें मदद करेगा घोड़ा जो है हमको लेकर के दौड़ने में मदद करेगा इस तरह से या ये अनाज है इसको खा सकते हैं है ना इस तरह की चीज़ों में वर्गीकृत किए उनके उपयोग के आधार पर ठीक है काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है तो तो शुरू से भाई जब से मानव का विकास शुरू हुआ मानव क्या दूसरे जंतु भी इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं तो मानव तो फिर सबसे इंटेलिजेंट जो एनिमल है वो है अध्ययन की शाखा को वर्गीकरण कहते हैं वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमेटिक्स कहते हैं है ना सिस्टमैटिक मतलब वर्गीकरण टेक्सोनॉमी ये सब आते हैं सिस्टमेटिक्स शब्द लैटिन भाषा सिस्टेमा से आया है जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था तो सिस्टमैटिक्स का मतलब है जीवों को हम एक निश्चित सीरीज में एक निश्चित तरीके से वर्गीकृत करें और उसके द्वारा हम समझते चले जाएं कि ये जीव किस तरह से बने हुए हैं लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचुरी रखा था सिस्टेमा नेचुरी जिसमें उसने नेचर के सिस्टम के बारे में बताया था कि नेचर किस सिस्टम के तहत चलता है उसके जीव जंतु किस सिस्टम से बने हुए हैं वर्गीकरण पद्धति में पहचान नाम पद्धति वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बहुत बढ़ा दिया गया है तो पहले हम उस जीव की पहचान करेंगे वो किस प्रकार का पौधा है या जंतु है उसका वर्गीकरण करेंगे उसका नाम देंगे नाम में जीना स्पीसीज का नाम ही उसका नाम हो जाता है है ना तो ये सब चीज़ें वर्गीकरण के आ, जो विभिन्न भाग हैं वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासी संबंध का भी अध्ययन ध्यान रखा जाता है विकासी संबंध मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब उसके पूर्वज किस प्रकार के थे इसी को फाइलोजेनी कहते हैं ना मतलब पूर्वजों का से कैसे कैसे विकसित होके आया है उसके पूर्वजों में क्या विशेषताएं थी ये फॉसिल रिकॉर्ड के द्वारा हमको पता चलता है तो उनको भी आजकल सिस्टम में शामिल किया गया है और एक सिस्टम तो ऐसा है जो केवल पूर्वजों के आधार पर ही बनाया गया है उसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं और वो आज के डेट में सबसे विकसित प्रकार का सिस्टम ही है वर्गीकरण का ठीक है तो इस तरह से ये जीवों की विशेषताएँ और वर्गीकरण के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा अब वर्ग की संवर्ग में अलग अलग टेक्ज़ॉन कैसे हैं फाइलम क्लास ऑर्डर जीनस फैमिली ये सब किस तरह से बनाए जाते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो मुझे उम्मीद है अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा और कृपया आप अपने दोस्तों में जो और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन तक इनको पहुंचाने में का कष्ट करें थोड़ा शेयर कर दें उनके पीछ है ना व्हाट्सएप है फेसबुक है इनमें थोड़ा शेयर कर दें कृपया है ना जिससे ये मेरे वीडियो थोड़े ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे उनको भी फायदा है और मेरे को तो फ़ायदा ही है मेरा चैनल इससे थोड़ा सा ग्रो करता है है ना तो वो सहयोग आपसे मैं चाहता हूँ कि आप करें है ना बाकी चीज़ें फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं है ना थैंक यू है ना अगले क्लास में मिलते हैं